جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع العلم كثير الغفران جميل السناء جزيل اللطاء مجيب الدعاء امين الإحسان ونشهد أن لا إله إلا, إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نذير له ولا ند له ولا زد له ونشهد ان سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق الله خالق المولان العظيم وصدق رسول النبي الكريم शाहमी व वाजिबराम बजुर्गो अजीज़ भाइयो असलकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू नबी बाग साहिब अल औलाग सैयद अल अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम दी तरेहठ साल दी दमर मुबारक बज़ाहर हयाते तयबा खिदमत अंदर पेश कर रहे हैं और सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अल व वसलम दे इखलाक मोज़ज़ात असा सरकार दी विलादत तो लैके सं नौ हिजरी तक ये वाकयात सरकारें दो आलम दी शान मुबारक हजूर का खात्मन नबीन होना सरकार दे मोजजात हज़ूर दी शादी अगों हजूर का बाप बनना औलाद पैदा होनी ये जितना भी असा सुनिया सुनाया खाल के कायनात अपनी सोहनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमाए और सरकार दी ये सारी हजात तयबा इस दे उते एक एक दिन ते अल्लाह पाक मैनू और अमल कर तोहफी कता फरमाए 30 ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਤ ਨਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਸਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ اور ਤੌਹੀਦ اور ਰਸਾਲਤ ਦਾ اقرار ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ हालांकि जेड़े दुश्मन सन वो इस कदर सज्जन बन गए कि जिथे भी कोई सरकार नू कोई तकलीफ देता सो सी, अपना सीना हाजिर करते सन और अपने बच्चे हाज़र करते सन अपना माल हाज़र करते सन अपनी जान हाजिर करते सन यानी किसी ऐसे चीज़ तो दरेग नहीं सन करते कि जी अल्लाह की रसूल असी होना सारा कुछ कुर्बान कर दईए सलाम होना साहबा कराम से भी कि जिन्हें सरकार दे नाल देनी सच्ची और सुची मुहब्बत की अल्लाह सानू भी हजूर न मुहब्बत की तफीक दे सा बच्चों भी अल्लाह तफीक दे पक्का सच्चा आश के रसूल बनाए अल्लाह तदाद बद गई मुसलमाना दी ईमान ते हूँ अल्लाह पाक ने सूरत कुरान पाक दी नाजल फरमाई हिजरत दसवां और आखिरी साल आउ الرحمن मिनिम बिस्मिल जा

वाराही तन्ना सादु खू लूना फी द काली कमली वाले असं तो बड़िया फतह दीतियाँ ने और असं थानू बड़े इनाम दिते ने ऐसा आ नासुर वल फतो वाराही तन्ना सादु ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ افواجਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ عطا ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ करो फासाबेबे हम दे रे का ऐ कमली हूं इस गल ते अल्लाह हमद बयान करो अपने अल्लाह की तस्वीर बयान करो अपने अल्लाह की अमदोसना बयान करो आखो या अल्लाह तेरा शुकरे। मेरे अल्ला, तेरी है शुकर हैरी मेहरबानी खाने ढाबे दियाँ चाबिया भी देना गुहारा नहीं सन कर दे उन्हें खाने का मेरी मलकीयत बनया है एच मेरे आशक दीवाने नमाजा पढ़ते हैं ऐ मेरे अल्लाह कदला सी जदों मैनु माड़ा समझ के लोग कदे मेनू मेरे ते गांजरियां छियाँ कद यम समझ के मैं कार देना याबे का ए मेरे अल्लाह तेरी हम दे तेरी सुनाए तेरी मेहरबानी है के तू मैनू नाले नाल नवाज़े है नाले मेरे अल्लाह तू शाना नवाजे है पता है चलिया हजूरदी सीरत तो कि जो मुश्किल टैम होवे सबर किया होवे गाला किस बेतुकिया कट दियाँ किस ने कोई मंदा बोल दिता किस ने कोई तकलीफ पहुँचा दी कि ने कोई ऐसा अमल कर दिता ਕਜਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਕਾਮ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਸਬਿਹ ਬਿ ਹਮਦ ਰੱਬ ਕਾ ਵਸਤਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਜ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨਾ अल्लाह ताला सानू इस ते अमल की तोफीक इस सूरत के अंदर अल्लाह ने हजूर नू दो चीज़ों वल इशारा फरमाया कि एक दे मेरी तस्बी बयान करो मेरी हमद बयान करो मेरी हमदो सना करो ते फासा बेह बे हम तो फासा बेहबेहमदे का मेरी हमद तो बाद बस तक फिर इसतफार करो थे तो मेरे नज़दीक और नज़रिए इसगफार कौन करता है मुसलमान भी करता है नाले जिस बंदे ने गुनाह किया हो जब बंदा कवे यार ला गिबत कर बैठा चुगली कर बैठा दो बंदे सुलाह लड़ाई करा बैठा जना कर बैठा चोरी कर बैठा तो फिर की होगा मैं अल्लाह को लो माफी मंग माफी का मतलब वे इस्तगफार कर अला दारगा अंदर, अस्तक फिर उला पढ़ अस्तक फिर उलाह रबी बिन कु बिन वा तूबुई पढ़ ए असी सोचया कि पता नहीं गुना करण और गुनाह होने नाल ही गुफार अल्लाह ने इशारा किनू किया उस नबी नबी ते मासूम ने जिन्हों ने खता कोई नहीं करनी मेरे आका थे, दुनिया से मुहब्बत प्यार उल्फत और बल्कि हजूर की वजह तो इतने सख्सा जाना है माज अल्लाह अस ये नहीं कि अल्लाह फरमाया सोने कि तुम इस्तगफार इस वास्ते करो कि कोई गुना हो बल्कि ना ना इस्तगफार का मतलब ये कमली वाल हूँ अपने अल्लाह की तरफ रजू करो अपने अल्लाह की तरफ रज़ू करो अला वल ध्यान करो अल्लाह वल वापस आओ तो फिर इस मेरे सोहने आक ने इशाद फरमाया इस तफफार फायदा सुन जरूरी नहीं कि कोई गुनाह है बड़े मुजर्रबात अमलों के बिचो है इस तगफार ऐसा अमल है कि कोई बंदा हजरत अली करम अल्लाह अज उल करीम आखो रजी अल्लाह त आप दे को लाया। ਕਾ ਲਗਾ ਯਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਵੇ ਯਾਨੀ 3 ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇ ਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਜ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ त्यो भी नेक दवे आपने फरमाया अच्छा इंज कर घर जा कसरत दे दिन होवे रात होवे होवे शाम होवे सर्दी गर्मी होवे कसरत दे नाल हर वक्त उठद्या बैठद इसतफार पढ़िया कर की करया कर करतगफार टुर गया लो जी थोड़ी देर बाद एक और बंदा आ गया याली। मैं एक बाग लाए अजूर का सरकार वो बाग जेड़ा है, वो सड़ गया है तबाह हो गई है सारी फसल खजूर खराब हो गई हैं तो दुआ फरमाओ मेरे को लोन पैसे भी कोई नहीं, दोबारा दरख्त लाव फिर उगन बड़ा वक्त चाहिए ਕੋਈ ਆਸਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਜਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੀਗਫਾਰ ਕਰ ਟਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾ अली ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ते दुआ करो अल्लाह पैसे दे छड़े आपने फरमाया मैं भी दुआ करना घर टुर तो जा जदों जल बंदे उठ के आप दी दारगाच टुर गए तो जो हजूर दे सब आए के राम बैठे हुए सन कोजरत अली रजियाला उतारा उन्होंने अर्ज कर दे पहला बंदा आया ओनू पुत्र की लौड़ सी अल्लाह को मनया तुसा इस्तफार का उन्होंने वजीफा दिता है दूजा आया उन्हें क्या मेरे बागों बच्चे हरियाली आ जाए ओनू भी फरमाया इस्तफार कर चौथा बंदा आया वह तीसरा आया तो यह पिया कह कि के जनाब मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरे हालात ठीक करे ओनू भी इस्तेगफारजीफा दिता है वजह की है ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਚਾਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇੱਕ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸੂਰਹ ਨੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਫਰਮਾਂਦਾ ਓਏ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਇਸਤੇਫਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਇਸਤੇਫਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਸਰਤ ਦੇ

चीदा चीदा कहना शुरू कर दिता कि भाई मैं ये आखिरी हज किया इस तो बाद अगले साल थी तो मेरी उरे मुलाकात हो या ना हो बहरहाल हजूर ने कुछ नसीहत कीतिया सरकार ने कुछ इर्शादात फरमाए तो सरकार दे एक देखबी रजी अल्लाह तुम आप विशाल होया हजूर जनाजा पढ़ा के वापस पे आन रस्ते दे अंदर तो सरकार नू बड़ी सख्त सिर बच्च दर्द हुई बड़ी शदीद हजूर घर आए वेख्या और मेरी माँ हज़रत उम उलमोमिनी नायशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला नहा आपने भी अगे सिर बने हैं तो हजूर ने वेख्या फरमायायशा की होया अर्ज़ कर दियाँ ने यार रसूल अला पता नहीं की वजह है तबीयत ख़राब है तो सिर दे वेच बड़ी दर्द है मेरे आका ने आयशा मेरे भी सिर बच्चे बड़ी दर्द है जदों का मैं जनाजा पढ़ा के आया रस्ते दे मैनू ये दर्द लाक कोई है नबी पाक सल्ला वसलम ने कार आराम फरमाया दो तीन दिन गुजरे मेरे और तेरे नबी बड़ा सख्त बुखार चढ़ गया जो हजूर जिंदगी मेरे तेरे वास्ते नमूना है तो जे बीमार हो जाइए ना, हजूर लेटे ने अपने बिस्तर ते, ते हाए नहीं कीती, आवाज़ नहीं दीती बल्कि यही पढ़ते सन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे अल्लाह तू आलमीन रब है इस बिस्तर ते भी मैं तेरी हमद बयान करना वाह कमली वाली शानू सलाम वे हो बीमार हो जाइए कोई भरा नवाज मेरे भरा नुलाओ मेरिया भेणा नु बुलाओ मेरे या यार दोस्तों न बुलाओ मेरे नबी का अमल वेख मेरे सोने मुस्तफा ने हजूर न बड़ा सख्त बुखार है उमल मोमेनी नजर ते आयशा सिद्दिका रजियाल्ला फुर्मानियां ने हजूर ने इस तरह लेटे हुए नेटिया लेटिया कहने बयान करना मैं हमदो हमदोसना इसल प्या करना ऐ मेरे अल्लाह तू मैनू नबी बनाया सिर्फ नबी नहीं बनाया बल्कि रसूल बनाया बल्कि रसूलों का सरदार बनाया मेरे अल्लाह तू मेन किता बता की मेरे अल्लाह तू मैन मेरे अल्लाह तू मैन शाना दि हजूर हम दोन करम नमाज पढ़ना चाहना ईशा हजूर ने फरमाया पानी लैके आवो ताके मैं अपने जिसम से पानी पावा कुछ बुखार बच्च थोड़ा फाका हो बुखार थोड़ा जिया कटे साबा ने पानी लेके आए हुजूर दी बार अंदर सरकार ने गुसल फरमाया हुजूर उठना चाया पर सरकार को उठया ना गया सरकार बेहोश हो गए उम्मुल मोमिनिन फरमादियां ने मैं थोड़ा जिया पानी लिया ते मैं पानी दा छटा मारया हुजूर ने अखा मुबारका खोल के फरमाया आयशा नमाज दा वक्त सी नमाज दा टाइम सी

ਮਹੱਬਤ ਤੇ عقیدہ ਦੇ ਨਾਲ مسجد نبوی ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲ ਪੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਦ ਦੁਆ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੀਏ ਸਾਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾंदे ਪਾंदे ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ مسجد نبوی ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ पहलो जमगीन साहबाए के राम सन के हजूर नज़र नहीं आ रहे जदों का सामने नज़र पई ना सरकार दे चेहरे तारिया के चेहरे फोल आर खेड़ उठे वेख्या अदब न खिलो गए कोई इधरों पिया आ कोई इधरों हों आंद रसूल अल्लाह तुम आ गए हो यार रसूल अल्लाह असी तो जिनी देर तुम्हें वेखिए ना साढ़िया अखा ठंडक नहीं पैदा काली कमली वाले अल्लाह की मेहरबानी है अल्लाह ने सू ए वी नमत दिती है शक्ल अंदर सोने आओ की हाल है तबीयत कुछ बेहतर है कुछ ठीक हो हजूर ने फरमाया हाँ वो मालक जो साल भी रखे ये मेहरबानी है सरकार ने नमाज़ पढ़ाई घर आ गए अगले दिन जोर टाइम होया टैम हो दो आलम ने फरमाया आयशा जरा पता करी मस्जिद के अंदर मेरा यारे गार अबू बकर है कि नहीं अम्मा आयशा ने पता करवाया बच्चे भेज के तो अर्ज कर दियाँ ने हाँ सरकार अब्बा जी अंदर ही ने की कहना चाह रहे हो सरकार ने फरमाया आशा अबू बकर नु भी बुला ते नाले अली नुंू भी बुला रजी अल्लाह तला मजमाइन दुआ बुलवाया हजूर ने फरमाया मेरे साबियो मेनू उठाओ तो अजत मायशा सिद्दीका फरमादियाँ ने अजत अबू बकर सदीक ने आस कंधे तो उठाया दूसरे हजरत अली ने इस कंधे तो उठाया तो सरकार दोआलम उठा के मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर के गए साहबा के राम ने नमाज़ पढ़ी हजूर ने नमाज़ पढ़ाई तो हम सरकार मिम्बर शरीफ से बह गए तो सरकार ने एक खुतबा दिता जे खुतबा सुनना जे तो सुबह अल्लाह हाँ मेरे नबी दियाँ अल्लाह शाना हो बुलंद करे खुदा दसमें मैं कहना दुआ ये करो अल्लाह को यार माड़े हाँ कमजोर हाँ बड़े ही गुणागार हाँ जे असी किसी होर नबी की उम्मे झुद् ना शकलां बंदर बन जानिया सन शकलां विगड़ जानिया सन जिमें साम करतूत ने ये तो सोने का करम है ना शक्ल विगड़ीए ना अकल विगड़ीए बल्कि अल्लाह का फजल ही है अजे तक तो फसल सोने मुस्तफा की वजह तो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा वल वेख्या कल्ले कल्ले दा चेहरा ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तो पहली गल की थी ओ मेरे साहबीओ अल्लाह बाग ने एक अपने बड़े बार गुजरदा बंदे अल्लाह अला ने इथ तक लिमिट दे दी है अल्लाह वालों आफरे आईए है बंदे अगर चे दुनिया ते रहना चाहते हो रह लवो अगर चे मेरे नाल मुलाकात मकसूद है मेरे नाल मुलाकात करो अल्ह के उस ब ने अपने अल्लाह पाक दी मुलाकात चुन लिया जदो हजूर ने क्योंकि नू पता चल गया हजूर ने गल के अगली गल मेरे सोने मुस्तफा ने फरमाया मैं सार्ड का बड़ा मशकूर हाँ चंगे बदर वे تواਡੀ ਲੋੜ ਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਓ ਮੁਹਾਜਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਂ ਅਨਸਾਰੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ਦੀ ਨਜ਼ਰ حضرت ਬਿਲਾਲ ਅਬਸ਼ੀ ਤੇ ਪਈ सरकार ने फरमाया बिलाल मैं तेरे तो भी राजी हाँ मेरे वास्ते तू अपनी चमड़ी उदेड़ी जता कर बिलाल मैं तेरे तो राजी हं मेरे वास्ते ते तू ਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹੇ ਚੰਗਾਰੇ ਰਖਾ ਲੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਉਮਰ ਫਾਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਨਬੀ پاک ਕਲਿਆਂ ਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰੇ ਉਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਜਗਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਮਾਨ ਤੁਸਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਕਰਨਾਵਾ ਜਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਟਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ دیਵਾਨਾ Hazrat Ukasha A.R.A. ये उठ पे अर्ज कर दे यार यारसूल अला पढ़ लो यार पढ़ लो ए दरूद ही जे बख्शिश का निजात का जरिया सारिया तस्वीर नमाज़ा रोजे हज जकाता शायद मूँह तो बज जान पर दरूद ऐसा जरा इन शाला क्यामत दे दड़े साढ़े नमकदा पया होगा तो सरकार का ते ना आवे तो की पढ़ना है शाबा सलो अलहे वाह आसलम और सा भी आए यारसूल अला सल्लासलम तुसा फरमाया जड़ा को किसी को कोई लैन देन हो अगर चे मेरे वलो गल कौन पे करते कर नहीं कि जिन्ना कदे दुश्मन भी तकलीफ नहीं दीती दी किसी ने को बदला लेना लैना हो वे। मेरे मुँह कोई गल निकली होवे वह मुसलमानों आओ असा कद किस नु कह पता भी ये गलती मेरी है आकड़ के बह रही है पता भी है मैं ज्यादा की थी नहीं नहीं अगला मेरे को माफ़ी मंगे आेख जिन्ना वास्ते कायनात बनी आना क्या वह है कोई बंदा कि जिन्हें को बदला लेना हो वे, को कर्ज लैन देने मामला होरला दरसूल तैयार हाँ वास्ते आओ कौन है हजरत काशा रजी अल्लाह तला आए अर्ज किया रसूल अल्लाह सल अलाम एक जंग उत्ते ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਸ਼ਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾभी ਹਮਾਤਨ ਗੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫੇਰ ਕਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲੱਲਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਫੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਬ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਬਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਖੈਰ ਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਓ ਮਥੇ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ फरमाया अच्छा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तला उठाया फरमाया घर जा मेरी धी फातमा रजीअल्लाव तला घर ने कह के थोड़े अबा जी नेज़ा पे मंगते ने हज़रत सलमान फारसी ने आकर रर्ज की बीबी जी सरकार नेजा पे मंगते ने ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਕੋਲ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਠੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਉਠੋ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜਾਓ ਨੇਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ हसन ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਓ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ हसन ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਨੇਜ਼ਾ ਆਏ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਹਿਮਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਾਂ ਸਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀਅਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸਜਦ ਨਬਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨੂਰ ਫੈਲ ਗਿਆ सया द नादर ते उशा रजी अल्लाह उतारोने पकड़िया सारे साबा खड़े हो गए गुस्से न क्या लगे होकाशा शर्म नहीं पई अल्लाह के रसूल को बदला लेना ही इस रसूल ने जानमो क्ड के तेन जन्नत दी है इस रसूल ने तेनू नमाज का तरीका दस है इस सोने मुस्तफा ने तेनू जिंदगी बसर कर तरीका दसिया अज तू बदला लै

वाले मेरे मां बाप थे तो कुर्बान जान मेरी औलादे तो कुर्बान जावे मैं चाहताक वाह कमलीखलाक बीबे मिसाले नाले मैं मुंह ही सुने जेडे ईमान वाले देम देह दे रसूल का जिसम लग जाए ओद्दे जन्म दी अग हरा नाम हो जाती है कल मैं नवा मेरे अल्लाह सारे बंदे आए ने अपने अपने नाम ये माल ते मैं कमली हजूर दे इश्क आया प्यारोरे नबूबत चुम देने ते यार तेरा करोड़ शुकर है ने तू सा फजल दिता सानू कुरान दिता है नाले साहेब कुरान अदा किता अल्लाह मेरे अल्लाह दी शान मेरे अल्लाह दा मकाम जजाक साहब अल्लाह तला बरकत दे सरकार ने जो वेख्या ना अपने दीवाने दी मुहब्बत अगली गल हजूर ने फरमाई जजाक अल्लाह भाई साहब अल्लाह बरकत दे हजूर ने वेख्या सरकार ने दुआ पता की दीती फरमायाशा अल्लाह पाक तेरे तो राजी हो जाए अल्लाह तेरे तो वेखो भाई असी कहने नमाज पढ़िए रोज़ा रखिए हज करिए जकात देिए शब जिंदादारी करिएत पढ़ीए अजान ते जनाब ज़कात दईए बड़े चंगे काम करिए कौन राजी हो जाए अला वेख वो कमां जरूर राजी हूँ पर जोड़ा सरकार नाल इश्क करे खुदा की कसम है हंड्रड परसेंट अल्लाह पाद तो राजी हो जाता है सरकार ने फरमाया अगली गल की हजूर फरमाने ओ मेरे गुलामों, को नमाज असलात नमाज़ंद करो नमाज़ दाबंदी करो नमाज ना छे जेड़ा बंदा नमाज पढ़ नमाज कायम करो इंजी है कि जमेंिया अखा नू ठंडक पे पहुंचाद यह दरवाज़ा खोल दौ भावे नबी पाक सल्लाह वसलम ने फरमाया सला अगली गलूर ने फरमाई मा। माला मई बच्चे तो बड़े बड़े सखी ने थोड़े तो बिच बड़े बड़े सरदार ने जिन्हों के कोल गुलाम रेंद्ते ने ते गल सुनो गुलाम नाल गर गर्मी नाल ना पेशा बया करो सख्ती

ਟਟ ਜਾਵੇ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਸਾਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ कुबान जान किन्ना भी मैं बर्दाश्त करा अल्लाह दे रसूल मेरी बीवी बड़ा बर्दाश्त नहीं हों हजूर ने फरमाया बैठ जा बैठ जा अगली गल मेरे कमली वाले ने फरमाई हजूर फरमाते ने बह जाओ सारे गौर न सुनो जमद अपनी दी बीवी दी, दी जुबान कोलो तंग होवे खुदा वास्ते ओ मेरे मुंह नु माफ कर दे मेरे मुंह ते मैं समझांगा ओने मेरे ते एहसान कीता अल्लाह दी कसम एक घर कारू जड़ते हैं पे और बस्तियां दियां बस्तियां इतलाकों की शराब दी है की वजह बीवी बद जुबान की वजह जी बीवी चंगी नहीं निकली मेरा कहना नहीं दी हजूर ने फरमाया जड़ा अपनी बीवी दी जुबान को तंग हो अला वासनू इस अमल दे बदले माफ कर दे कहगा उन्हें मुहम्मद ते एहसान किया हजूर ने फरमाया बै जावो अगली गल मेरे कमली वाले ने फरमाई के मेरे दीवाने हो ऐ मेरे ओ परवाने हो खबरदार आपस दे अंदर जसूसिया ना करो आपस दे अंदर अंदर हीबत करो आपस दे अंदर चुगलिया न करो ये नफरत जन्म लंदियां ने ये नाल नफरत नफर पैदा हो दो खानदानू तबाह करना ये अच्छी गल नहीं दो जन आपस लड़ा देना ये अच्छी गल नहीं दो कबीलियां लड़ा देना ये अच्छी गल नहीं मैं ते अपनी त्रेठ साल की उम्र मुबारक के अंदर मुहबत का सबक दिता प्यार दिता उल्फत सबक दिता मुहबत अबू बकर ती मेन लैके आयो ते उन लैके भी तुसे वापस घर जाना है मेनू उठाओ ते नबी पाग सल आले सलमू घर आंदा मुलमोमनी ना शसदी कर

फिर वेख मैं मियाँ बीवी की मुहब्बत की प्या गल करना जब सही मुहब्बत वेखनी ना मुहम्मद उर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला वसलम की मुहब्बत अम्मा आयशा सदीक नाल वेख प्यारेख उमल मोमिन फरमांदियाँ ने मैं ना मिसवाक तो मैं हजूर न पेश की या रसूल अल्लाह सल वसलम लो मिसवाक करो तो पता है मिसवाक तो पहलो दंदा ਅਚਿਤਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਨਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅਮ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਬ ਅਗਰ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ ਜਰਾ ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ साढ़े थोड़े तो लवाब है ही बैक्टेरिया है। जरासीम ने अम्माशा सिद्दीका फरमांदियाँ ने जिन्ने भी शफा हासिलती है सारे लवाब हजूरदा लेंदे सन पर मैनू एस आदत है मैं अपना लवाब आखरी वक्त हजूर दिता बिसग दी शकल अंदर फरमां ने मैं ना वो दंदा के नाल चिथी तो मैं लगी ना साफ कर हजूर ने फरमायाशा नहीं इंजी दे छड़ अमायशा सदीक फरमा ने सरकार ने ना वो मिसवाक की मिसवाक करके ना सरकार आलम ने रख दी नमाज ए असरदा टैम होया मेरे सोने मुस्तफा ने फरमायायशा इंज कर मेरे यार अबू बकर नू नह नमाज़ पढ़ाओ ये महीना रबी उसानी का हजरत अबू बकर सिद्दीक विशाल शरीफ का भी है नस्बत न गई हजरत आयशा सदीक कह लगियाँ अर्ज कर दया यार रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी जड़े ने ना वो जरा नरम मिजाज देने नरम तबीयत देने फटाफट रो पैन गए कि मैं अल्लाह के रसूल दे, दे मुसल्ले तो खलोव सरकार किसी और फरमा दो हजूर ने फरमाया नहीं आयशा जो मैं जानना वो तू नहीं जानती जजाकलाई जो मैं जानना वो तू नहीं जानती मेरे यार अबू बकर बुला उमर मोमिन फरमादियाँ ने हज़रत अबू बकर सदीक आए जी यार रसूल अल्लाह हजूर ने फरमाया अबू बकर मुसल्ला मेरा होवे मेरा दिल है नमाज़ मेरा यार पढ़ा होवे अर्ज कर दे ने रसूल अल्लाह मैं किथे ओ मुसल्ला किथे सरकार नहीं आपने फरमाया मेरा हुक्म है चलो अबू बकर नमाज़ पढ़ाओ आए हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले थे हम बै साबा ने जो वेख्या तो साबा दीखा निकल गई कि नौबत इतों तक आ गई सरकार वेख नहीं सकते हजूर नमाज नहीं पढ़ान आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दी साबा की नमाज वेखो नमाज शुरू हो गई अल्लाह अकबर नमाज की वे

ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਏ ਭਈ ਸਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਲਿ ਲਵੇ ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਜਾਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਬਲੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਸੀਨਾ ਹੋਣਾ चाहिए रावी अल्लाह चाह कसम एक लख तो लखाए के पिछे हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नमाज नीति हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे ने पता चलिया कि सरकार ने कदम मुबारक अंदर रखे है। समेत हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबाए के राम सार् ने का चेहरा फेर के हजूर वाल चेहरा करके वे सारे हजूर नेख रहे नमाज नहीं टूटी नमाज नहीं टूटी नमाज जाया नहीं नमाज खराब नहीं हज़ूर दुआलम ने इशारा फरमाया हजूर फरमाते ने अबू बकर खलोते रहो हजरत अबू बकर सिद्धी मुसल तो थोड़ा जहा पिछे हो गए सरकार आके बह गए हजूर ने नीति जरा नमाज वेख के सुबह ला i got it <gasps> नबी पाक सल्ला आल सलम ने नीति नमाज़ हजूर सल्लाह आल सलम सरकार दुआलम अगर रुकू कर देने पहलो हजूर रुकू कर देने फिर अबू बकर रुकू करते ने मगर साबा रुकू देने ने सरकारी दुआलम ने नमाज मुकम्मल की थी और सरकार ने सारे दस दिता आने वाली उम्मत के अगर कोई बाद इस मुसले का दा हकदार है मेरे तो बाद मैं समझना वहां ना अबू बकर सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक की अवलियत आखो जिंदाबाद सिलाफत सि अकबर की शुजात सिद्धिक अकबर की ये जो कुछ भी मिले ये नहीं कहें अबू बकर सिद्दीक का कमाल सी बल्कि सोने मुस्तवाद ही निगाह का कमाल हजूर घर आए दोबारा ते दो दिन लंघ गए लो हूँ आखिरी दिन बयान कर लगा सैयदा खातू ने जन्नत फरमादियाँ ने कि मैं अब्बा जिया के सराने बैठी हाँ अब्बा जिया की अख लग गई अचानक बारो किसे दरवाज़ा खड़काया मैं गई मन अंता कौन है दरवाजे ते आवाज़ वाले ने देखा बीबी जी मैं सरकार नू मिलना मैं हजूर न मुलाकात करनी है बड़ी दूरों आया बीबी और फरमाया चुप करके टुर जा मस्जिद नबीच बह जा मेरे अब्बा जी आराम पे कर देने ते आराम भी काफ़ी दिनों तो बाद आया कर वापस तुर जा वापस तुर जा तू मस्जे नबी तुर गया थोड़ी देर बाद फिर बुआ खड़किया मन ना कौन है आखिर मैं हो अगला हजरत बीबी फातमा ने कहा मैं अगे भी क्या है कि मसदे नबी बह जा दूरों आए बैठ साहबा दे को अबा जी उठन गए मैं पैगाम देगी रो जा वापस चला जा तुर गया थोड़ा जहा लमे गुजरे फिर बुआ खड़किया बीबी और पूछया मन नंता कौन है लो जीओने जो कहा ना मैं अगे वाले ही बंदा हूँ बीबी पाग न गुस्सा चढ़ गया फरमान लगी तू कि बंदा ਕਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਵੇ ਸਿੱਧਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਆਵੇ ਜ਼ਿੰਨੂ ਰਹਿਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੈਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫਰ ਆਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਐ ਜਿਹਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹਾਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ غلام ਐ ਢੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੂਆ ਪਿਆ ਖੜਕਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਧੀਏ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਧੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ Juda ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਗਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਰੋਕ ਨਾ ਡੱਕ हसन ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਮੇਰੇ ਆ ਇਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਆ ਇਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇ Hazrat Bibi Fatima ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ Hazrat Bibi Pak ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ हम बीबी पाक मुस्कुरा लग पाइं ने पूछा बीबी जी तुम अमल क्यों किया और क्यों हसिया क्यों रोईया आपने कहा मैं रोई पहलो इस वासस्ते सब्बा जी ने मैनु कहा कि बस तेरा मेरा चंद लम्ह बजाहर साथ है वगरना आला हजरत ने तो फरमाया तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जे शहीद जिंदा रवायत अल्लाह पाक दे नबी भी अपनी कबर ने अल्लाह पाक बकायदा अल्लाह हजरत मूसा अलैहि सलाम नू। सरकार ने मेराज शरीफ की रात वेख्या अपनी कबर च नमाज भी पे पढ़ते सन तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला अज भी दरूद पढ़ो सरकार तक पहुंचद हजूर अपने हर दीवाने की गुफ्तगु सुनते ने मैं रोई ਵਾਸਤੇ ਸਾ ਅੱਬਾ ਜੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਤੀ ਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ विशाल शरीफ तो छे महीने बाद हजरत बीबी पाक का विशाल होया और फिर वेखो मुसलमानों ये ती मुहब्बत नहीं की थी सरकार नाल नज़ूर दूठनी सी जिह ना कुसवा की ना है उसवा नहीं काफ दो नुक्तिया कुस तो सुद अलफ खड़ी जबर आ तो छोटी है कुसवा ये हजूर दूठनी का नाँ सी जो सरकार दो का विशाल शरीफ बाजार हो गया तो ऊठनी ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ Hazrat Bibi Fatima ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਸਵਾ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਹਿ ਲਗੀਆਂ ਕੁਸਵਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਸਵਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁਸਵਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਸ ਊਂਠ ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ प्यार कर दी सी ओ भाई मैं दुआ करना खाल के कायनाद जब तुहाडा मेरा आखिरी वक्त आवे आखिरी टाइम आवे मेरे अल्लाह मैं दुआ करना दौलत की लोड नहीं इजत शोरतं अहद की लोड नहीं बस आखिरी टाइम कलमे की अल्लाह कलमा नसीब कर दई ईमान की दौलत नसीब कर दई अल्लाह जो मौत आवे हाँ फरिश्ता रूह कबज़ करता हो जुबान ते हो ला इलाहा इल्ल اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اے بھائی ایک اختلافی گالے سنو کئی کہندے نے جی حضور دا جنازہ پڑھایا گیا کئی کہندے نے جی نہیں پڑھایا گیا او کئیاں دے چکر وچ نہ پاوو یہ حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں اطہر نو مسجد نبوی شریف دے رکھ دیتا گیا صحابہ اوندے گئے ایک پاسے بیبیاں ایک پاسے مرد आते गए बच्चे बुढ़े जवान सारे वारी वारी आते गए तो दरूदो सलाम पढ़ते गए क्योंकि नबी की मौजूदगी बिच अगला नबी कोई होमामत करवा सकता है नबी का जनाजा कोई उम्मती दे 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 नहीं पढ़ा सकता है ये खिलाफ अदब भी है खिलाफ शराह भी है तो सरकार ए दोआलम सल असलम का आप तो दरूदो सलाम इस तरह पेश किया गया और गुसल हज़रत कुसुम बिन अब्बास रजी अल्लाह तु हज़रत अली करम अल्लाह वाजुल करीम हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तु मजमाइन इन्हें गुसल दिता और सरकार ने फरमाया खबरदार गुसल देन दौरान दे अली तो इलावा जेड़ा मेरे जिसमू वेखेगा वो नाबीना हो जाएगा वो दियाँ अखा चलिया जा हजरत कुसुम फरमाते हैं ਪੜਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ Hazrat Ali ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ Hazrat Ali ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਬਜ਼ਾਹਰੀ ਹਿਆਤੇ ਤੈਬਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਭਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਬਰੇ شریف ਅਲਨਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਾਫਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਜ਼ਿਲ और अल्लाह काल के कायनात अल्लाह पाक हजूर दी सीरत दे सदके मैनु आखिरी टाइम कलमा नसीब फरमाए वाखिर उदा बाना